tell you about parasitology of Trypanosoma. So here I have prepared some slides on this topic. So I'm going to share those slides with you. So these are my slides. Okay. So the first thing what we should know about the structure of the Trypanosoma. So here you can see the structure of the Trypanosoma. So Trypanosoma is a flagellate pathogenic parasite growing in man and domestic animals, causing fetal disease known as trypanosomiasis. तो जो आपके ट्रिपैनोसोमा है इज अ फ्लैजिलेट पैथोजेनिक पैरासाइट. ये क्या है? एक पैरासाइट है जो कि आपके ह्यूमन और आपके कैटल्स पे एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन पर ये मिलते हैं जनरली. तो जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपैनोसोमियसिस. और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये एक आपका ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है. वैसे तो ट्रिपैनोसोमा की कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इस तरीके से कई सारी वैरायटीज़ होती हैं. बट हम लोग स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक जनरल में बात करेंगे ट्रिपैनोसोमा की. तो जो ट्रिपैनोसोमा है वो इस तरीके से ट्रिपैनोसोमियसिस या जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, इस तरीके की डिजीज़ कॉज करते हैं. तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है. जो इसका इंटीरियर एंड होता है वो स्लाइटली आप कह सकते हैं ब्लंट होता है, और जो पोस्टीरियर एंड होता है वो आपका काफ़ी पॉइंटेड और यू कैन से शार्प होता है. तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंड होता है यहाँ से एक आप देखेंगे तो एक लॉन्ग फ्लैजेला अराइज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स मूवमेंट. तो जो फ्लैजेला अराइजिंग का जो पॉइंट होता है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लेफेरोप्लास्ट ऑफ द बेसल ग्रैन्यूल. और इसी के जस्ट आगे आप देखेंगे तो एक काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होती है यहाँ पर. इसके आगे कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप स्मॉल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्वोयर या रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स जो कि स्टोरेज का काम करते हैं फूड का. सो दीज आर द फूड ग्रैन्यूल्स यू कैन से. और इसके बाद एक लार्ज न्यूक्लियस सेंटर में आपको दिखाई देगा, एक सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे तो आपको न्यूक्लियोलस और वहाँ आपको क्रोमोसोम्स दिख होंगे न्यूक्लियस के अंदर. इसके अलावा आपको अटैच्ड फ्लैजलम जो मैंने बताया अभी कि अराइज होता है एंटीरियर एंड से और आपका पोस्टीरियर एंड तक एलोंगेटेड रहती है जो स्ट्रक्चर. और ये कुछ फोल्ड्स डेवलप कर लेती है या जिसको हम लोग बोलते हैं अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, एक तरीके की मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है. और जो सबसे मेन रीज़न है इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल. तो देखिए आप को यहाँ पर एक पेलिकल भी दिखाई दे रही है जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसे हम लोग पेलिकल कहते हैं. और ये जो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है ये इसी पेलिकल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम अराइज होती है. और इसके बाद जो आपकी पेलिकल है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है एनिमल में. और अगर बात करें इसके अलावा आप अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पर वो भी डिफरेंशिएटेड है टू पार्ट्स में, एक्टोसाइटोप्लाज्म और इंडोसाइटोप्लाज्म. एक्टो मींस बाहर, जो बाहर का साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है और जो इनर साइटोप्लाज्म होता है वो लिक्विडी फॉर्म में होता है और इट्स कंटेन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, एंड्रोसोम्स. इस तरीके से आपकी कई सारी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगी. तो ये एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर होती है ट्रिपैनोसोमा की. इसके बाद कुछ चीज़ें मैंने इसी के स्ट्रक्चर के बारे में दी हुई हैं, अबाउट इट्स साइज और शेप वगैरह. तो ट्रिपैनोसोम्स हैज़ कलरलेस, एलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड लीफ लाइक बॉडी. अभी मैंने बताया है एलोंगेटेड लीफ लाइक बॉडी होती है आपकी. इट इज़ स्पिंडल शेप्ड, अबाउट टू 10 to 40 माइक्रोमीटर लॉन्ग. कितने लंबे हो सकते हैं? 10 से 40 माइक्रोमीटर तक ये लंबे हो सकते हैं एंड 1 to 5 माइक्रोमीटर तक ये ब्रॉड हो सकते हैं. नेक्स्ट है फर्म
with elastic pellicle supported by fine microtubules cover the body and maintain its shape. इसके चारों तरफ एक पेलिकल है जो कि इसका शेप मेंटेन करने में इसको हेल्प कर रही है. अ लॉन्ग थ्रेड लाइक फ्लैजेलम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द बॉडी. जैसे कि मैंने बताया, इसके जो फ्रंट एंड है या आप कह सकते हैं एंटीरियर एंड है, यहाँ से एक फ्लैजेलम अराइज होता है जो कि इसकी होल बॉडी में या आप कह सकते हैं कि पोस्टीरियर एंड तक की प्रेजेंट होता है. इसके बाद ऑल अलोंग इट्स लेंथ over the body, the flagellum is connected by a fin-like undulating membrane formed of cytoplasm and folded pellicle. There is a large oval nucleus and a long oval narrow band-like mitochondrion in the cytoplasm. तो इस तरीके से आपका एक न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में. कॉन्स्पिशियस मास ऑफ डीएनए कॉल्ड काइनेटोप्लास्ट इज एम्बेडेड इन द माइटोकॉन्ड्रियन नियर टू द गलेट. तो इस तरीके से आपकी काइनेटोकोर भी प्रेजेंट होती है, काइनेटोप्लास्ट जिसे हम लोग बोल रहे हैं. इन बिटवीन द रिजर्वॉयर एंड द न्यूक्लियस गोल्जी एपरेटस इज फाउंड. इन ट्रिपैनोसोमा लार्ज डीपली staining voluting granule are found scattered in the cytoplasm. आपके granules present होते हैं जो कि storage का काम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था. These granules represent the stored glycogen or protein or nucleic acid. इनके storage करते हैं, किसका किसका storage करते हैं? Glycogen, nucleic acid और protein का storage करते हैं ये जो आपके granules होते हैं. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. तो ये तो बात हो गई अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट्स लाइफ साइकिल. तो हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और क्योंकि ये डाइजेनेटिक होते हैं. डाइजेनेटिक मींस इनके दो होस्ट होते हैं. एक तो होस्ट होता है इनका एनिमल, या जिसको आप बोल रहे हैं ह्यूमन भी हो सकते हैं, या आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो भी हो सकते हैं. कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करती हैं, और कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो आपके ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करती हैं. जनरली ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर रही हैं. तो डाइजेनेटिक होती हैं आपकी ये जो ट्रिपैनोसोमा है, मींस दो होस्ट होते हैं इनके, और ये दो होस्ट के ऊपर एज अ पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को रन करते हैं. सो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ द मोस्ट ट्रिपैनोसोम्स स्पीशीज इज डाइजेनेटिक. मैंने अभी बताया आपको डाइजेनेटिक होती है, मींस दो होस्ट आपके होंगे इसके पैरासाइट के. मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल सर्व्स एज प्राइमरी होस्ट. मैन और डोमेस्टिक एनिमल जो होगा वो इसका प्राइमरी होस्ट है. एंड ब्लड सकिंग इंसेक्ट द सीसी फ्लाई सर्व्स एज अ इंटरमीडिएट होस्ट. सीसी फ्लाई जो होती है वो इसकी इंटरमीडिएट होस्ट, या आप इसको सेकेंड होस्ट भी कह सकते हैं. मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बिकम्स इन्फेक्टेड बाई द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई. कैसे आपके इन्फेक्ट होते हैं? बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई. द इन्फेक्टेड पैरासाइट अंडरगोज प्रीपोटेंट पीरियड ऑफ एक्टिव मल्टीप्लिकेशन इन लिम्फ इंट्रासेल्युलर स्पेसेस एंड टिश्यू. तो जो आपका आपका पैरासाइट है कहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करेगा? इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, लिम्फ में और टिश्यूज में. ये जा कर के जब ये इंटर करता है ह्यूमन बींग की बॉडी में, तो वहाँ पर जा कर के ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं थ्रू द बाइनरी फिजन, जो कि एक एसेक्सुअल प्रोसेस होती है. इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इसके बाद क्या होता है आपका? फाइनली द पैरासाइट इन्वेड्स ब्लड. It undergoes extensive multiplication. Blood में आ जाएंगे अभी. During multiplication, it changes
shape of its body several times but finally change into normal trypanosomes. जब ये multiplication कर रहे होते हैं तो ये different sizes या आप कह सकते हैं shapes जो होते हैं ये कई सारी change होती हैं और at last ये trypanosome की जो एक actual shape होती है उसमें ये आ जाते हैं. तो इस तरीके से कई सारी stages में होती हैं. At this stage it is ready for transmission into the transmitted host. अब ये कहाँ पर है, ये ब्लड में होते हैं और ये रेडी हो चुके हैं ट्रांसमिशन के लिए. मींस इस समय जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है इसकी बॉडी में, ये जो आपके पैरासाइट्स हैं ये ब्लड में होंगे और ब्लड स्ट्रीम में होने की वजह से जो सीसी फ्लाई होती हैं जब ये ह्यूमन इन्फेक्टेड जो ह्यूमन है उसको बाइट करती हैं तो ये जो ब्लड है ये सीसी फ्लाई के आपके बॉडी में चला जाता है. इन्फेक्टेड जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी सीसी फ्लाई के बॉडी में चले जाएंगे और देन क्या होगा, आपका जो सीसी फ्लाई है ये एक इन्फेक्टेड कैरियर के जैसे काम करेगी और यहाँ फिर से ये जो आपके पैरासाइट हैं यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे एंड देन ये अगेन जो सीसी फ्लाई है उसका जो माउथ पार्ट होता है, उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वहाँ पर जा करके इकट्ठे हो जाएंगे और फिर अगेन जब ये सीसी फ्लाई किसी नॉर्मल मैन को बाइट करेगी तो उस टाइम पर इसकी सलाइवा, ये जब बाइट करती है तो सलाइवा को एक सेक्रीट करती है जो कि उस टाइम पर उस जगह का ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करता है. तो ब्लड क्लॉट होने से उसको रोकता है तो उस टाइम पर ये जो आपके पैरासाइट्स हैं थ्रू द सलाइवा ये ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं आपकी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में और ये वहाँ पर जाकर के डेवलपमेंट करते हैं और आपके नए जो ट्रिपैनोसोम्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं और देन फिर ये रेडी हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो इस तरीके से पूरी इसकी लाइफ साइकिल रन होती है. सो हम लोग थे कहाँ पर थे, हाँ ओके, आफ्टर सम टाइम द पैरासाइट डिसअपीयर कम्प्लीटली फ्रॉम द ब्लड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इन होस्ट बॉडी. इन पैथोजेनिक फॉर्म द पैरासाइट्स इन्वेड वाइटल ऑर्गन्स फॉर्म फ्रॉम द ब्लड कॉजिंग सीरियस डिजीजेज. इन इनवर्टिब्रेट्स होस्ट ऑल्सो the parasite undergo extensive multiplication in stomach. ये जो invertebrates हैं like आपका जो सी सी फ्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये multiplication करेंगे. ultimately they migrates into salivary gland. ये migrate करके सी सी फ्लाई के salivary gland में पहुँच जाते हैं. when सी सी फ्लाई bites the skin of the vertebrate host for its blood meal, it pours a drop of saliva into the wound to prevent blood coagulation. अभी मैंने बताया कि ये एक saliva की drop release करती है जो कि blood coagulation को prevent करता है. With the drop of saliva, numerous trypanosomes are inoculated into the blood of फाइनल होस्ट. तो इस तरीके से आपके जो ट्रिपैनोसोम्स हैं वो आपके होस्ट में एंटर कर जाते हैं अगेन. तो इस तरीके से जो पूरा आपका लाइफ साइकिल है एक बार सीसी फ्लाई में और एक बार आपके ह्यूमन में इस तरीके से रन होता है और आपका ये पूरा सीन होता है इसमें. तो ये जो है आपको मैंने स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पर जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे ट्रांसमिशन होता है थ्रू सीसी फ्लाई. और जो फर्स्ट आपका मैंने कहा होस्ट होता है वो कौन है, ह्यूमन और यू कैन से डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं बट डिफरेंट स्पीशीज पे डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज़ है. तो जो फर्स्ट वाला आप स्ट्रक्चर देखेंगे, फर्स्ट नंबर यहाँ पर नंबरिंग भी है अगर आप देखें तो यहाँ इस तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ आपको. सो फर्स्ट नंबर में देखिए सी सी फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील. किससे ब्लड मील लेगी, आपके ह्यूमन से. तो ह्यूमन को जब ये बाइट करती है
तो उस टाइम पे जो इसके जो माउथ पार्ट है या इसकी जो सलाइवा है, यहाँ पर जो इन्फेक्टेड आपके एनिमल्स या पैरासाइट्स थे, ये ब्लड में इंजेक्ट हो जाते हैं। ब्लड के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे आपके ह्यूमन के। तो नेक्स्ट जो आप सेकेंड नंबर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्राइफोमेस्टिगोस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड स्ट्रीम। ट्राइफोमेस्टिगोट्स विच आर कैरीड टू द अदर साइट। जो स्टेज इन्फेक्टेड स्टेज इंटर की है ह्यूमन में, उसको हम लोग बोल रहे हैं मेटासाइक्लिक ट्राइफोमेस्टिगोट्स। तो मेटासाइक्लिक स्टेज पे ये इंटर करते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में, एंड देन ये यहाँ पर अगेन जो है बाइनरी फिजन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में आपको ये दिखाया जा रहा है, ट्राइफोमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाई बाई बाइनरी फिजन इन वेरियस ब्लड इन वेरियस बॉडी फ्लूड। एग्जाम्पल है आपका ब्लड लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूड। तो ब्लड लिम्फ और जो स्पाइनल फ्लूड होता है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे आपके, एंड देन नेक्स्ट स्टेज में आपको दिखाया जा रहा है जो ये आपके कैटल के लिए दिखाया जा रहा है, कैटल्स एंड पॉसिबली वाइल्ड अंगुलेट्स आर रिजर्व्स फॉर द ट्रिपैनोसोमा रोडियंस नाम की एक स्पीशीज होती है, ये इन्फेक्ट करती है आपके डोमेस्टिक एनिमल्स को। और नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो आपके पैरासाइट्स हैं, ये सर्कुलेटिंग ट्राइपोमेस्टिगोट्स इन ब्लड ड्यूरिंग एक्यूट फेज यूजिंग अनडिटेक्टेबल इन लेटेंट फेज। तो इस फेज में ये अनडिटेक्टेबल होते हैं, और इस टाइम अगेन जब सीसी फ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है, देखिए फिफ्थ नंबर का जो स्टेप है, इसमें जो सीसी फ्लाई है टेक्स अ ब्लड मील, तो ये जो आपके पैरासाइट हैं, ये आपके जो सीसी फ्लाई है उसकी बॉडी में ये ट्रांसफ़र कर दे देंगे। और जब ये बॉडी में आएंगे तो ये अगेन ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो ब्लड सिक्स नंबर में अगर आप देखेंगे तो ब्लड स्ट्रीम ट्राइफोमेस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोसाइक्लिक ट्राइफोमेस्टिगोट्स इन द वेक्टर मिडगट। प्रोसाइक्लिक ट्राइफोमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। तो अब ये प्रो आपकी जो प्रोसाइक्लिक ट्राइफोमेस्टिगोट्स, इनको आप बोलेंगे आप, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में आ चुके हैं। किसकी ब्लड स्ट्रीम में आए हैं, आपकी जो सीसी फ्लाई है उसकी ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, और ये बाइनरी फिजन करेंगे आपके मिडगट में। एंड देन नेक्स्ट स्टेज में अगर आप देखेंगे तो प्रोसाइक्लिक ट्राइफोमेस्टिगोट्स लीव द मिडगट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इपीमेस्टिगोट्स। ओके, इपीमेस्टिगोट्स में ये ट्रांसफॉर्म होंगे, किससे, प्रोमेस्टिगोट्स से इपीमेस्टिगोट्स में आपके ये ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। मतलब ये मैंने कहा कई सारे स्ट्रक्चर्स ये चेंज करते हैं, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है आपका इपीमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाई इन सलाइवरी ग्लैंड। अब ये मूव करके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड में। दे ट्रांसफॉर्म इनटू मेटासाइक्लिक ट्राइफोमेस्टिगोट्स। अब ये किस में, मेटा ट्राइफोमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही स्टेज होती है मेटासाइक्लिक जो स्टेज है, यही स्टेज इन्फेक्टिव होती है। ये कहाँ पर होगी, ये इसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होगा। और अगेन जब सीसी फ्लाई किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगी, तो ये जो आपके पैरासाइट होंगे, जो कौन सी स्टेज में है, मेटासाइक्लिक ट्राइफोमेस्टिगोट जो आपकी स्टेज है, इस स्टेज में ही ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे। अगेन एंड अगेन इस तरीके से जो पूरा बॉडी में साइकिल है,
दोनों आपके जो होस्ट हैं उनके थ्रू जो है रन होता रहता है, और ये जो एनिमल है इस तरीके से अपनी साइकिल को रन करते हैं। तो अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिजीज़, कौन सी डिजीज़ ये कॉज करते हैं, तो आपका ट्रिपैनोसोमा कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके। द डिजीज़ इज़ मोस्टली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई, बट देर आर अदर वेज इन विच पीपल आर इन्फेक्टेड। जनरली जो कॉज होती है वो इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई की बाइटिंग होती है, बट समटाइम्स कुछ अदर केसेस भी देखे गए हैं। लाइक क्या हो सकते हैं अदर केसेस, मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन, द ट्रिपैनोसोम्स कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन्फेक्ट द फीटस। प्रेगनेंसी स्टेज में जो अगर इन्फेक्शन हो जाए ह्यूमन को, मदर को इन्फेक्शन हो जाए, तो ये देखा गया है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और जो फीटस होगा आपका उसको भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, एक्सीडेंटल इन्फेक्शन हैव अकर्ड इन लेबोरेटरीज ड्यू टू प्रिक्स विद कंटामिनेटेड नीडल। तो कंटामिनेटेड नीडल के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसके बाद सिम्टम्स की बात करें कि अगर ये डिज़ीज़ हो जाती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं इस आपकी डिज़ीज़ में। तो इन फर्स्ट स्टेज, जो पहली स्टेज, दो स्टेजेज होती हैं इसमें, एक सीवियर स्टेज है और एक, या आप कह सकते हैं एक प्राइमरी स्टेज है और एक सेकेंडरी स्टेज आप कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट इन्फेक्शन होगा तो वो थोड़ा सा लाइट होता है, उस पर जनरली जो डिज़ीज़ है उसको रिकवर किया जा सकता है, बट जब ये सेकेंड स्टेज में आ जाता है तो उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन फर्स्ट स्टेज द ट्रिपैनोसोम्स मल्टीप्लाई इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीमोलिम्फेटिक स्टेज। इस स्टेज पर जब ये कहाँ पर आपके मल्टीप्लाई करते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ब्लड एंड लिम्फ में, तो ये जो स्टेज होती है इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं हीमोलिम्फेटिक स्टेज। ओके, विच लीड्स टू फीवर। क्या क्या आपके सिम्टम्स होंगे, अगर इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा, हेडेक होगा, इनलार्ज लिम्फ नोड, जॉइंट पेन्स एंड इचिंग। इस तरीके के आपके सिम्टम्स, जो फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स हैं, वो आपको इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद इन सेकेंड स्टेज द पैरासाइट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर टू इन्फेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ज़्यादा दिन तक ये बॉडी में परसिस्ट करते हैं तो ये सेकेंड स्टेज में पहुँच जाते हैं, और देन ये ब्रेन तक पहुँचने की कोशिश में होते हैं, और ब्रेन तक अगर ये पहुंच जाते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको ये इन्फेक्ट करते हैं। दिस इज़ नोन एज द न्यूरोलॉजिकल स्टेज। इस स्टेज को हम लोग न्यूरोलॉजिकल स्टेज कहते हैं। इसके बाद स्टेज इन जनरल, दिस इज़ व्हेन मोर ऑब्वियस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज अपीयर्स। क्या होंगे वो, चेंजेस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियरल चेंज हो जाएगा आपको, कन्फ्यूजन होने लगेगा, सेंसरी डिस्टर्बेंस होगा, द पुअर कोऑर्डिनेशन और डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप साइकिल, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं होते हैं, विच गिव्स द डिजीज इट्स नेम। स्लीपिंग की वजह से ही इसको इसका नेम दिया गया है एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो अगर ये डिजीज़ हो जाती है तो इसका कैसे प्रिवेंशन और कैसे इसका क्योर किया जाए, तो द हैबिटेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हैवी बुश रीजन टू ओपन एरिया, ओपन कंट्री एरिया, मीन्स ओपन एरिया जो होते हैं जहाँ पर
नॉर्मली फॉरेस्ट रीजन आप कह सकते हैं कम हो, उस रीजन में रहेंगे, क्योंकि जो सीसी फ्लाई है इनका जो आप कह सकते हैं कि जो कॉलोनीज होती हैं ये फॉरेस्ट एरियाज में आपको ज़्यादा मिलती हैं, तो जनरली ओपन एरियाज में रहना चाहिए, आपके सैनिटाइज्ड एरिया होने चाहिए प्रॉपरली, द सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी शुड बी इम्प्रूव्ड टू चेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीसी फ्लाई. तो इस तरीके से सैनिटाइजेशन या सैनिटरी जो चीज़ें हैं आपको प्रॉपरली चेक करनी है कि सीसी फ्लाई का मल्टीप्लिकेशन कहीं पर भी ना हो रहा हो. इसके बाद जो आता है आपका सोडियम नेफ्यूराइड और सुरेमाइन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रा वेनसली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन. तो इस तरीके से कुछ आपके ड्रग्स हैं सुरेमाइन और सोडियम नेफ्यूराइड करके, जो कि इंट्रावेनसली दिए जाते हैं, मींस आपके वेन्स में दिए जाते हैं. इनको फर्स्ट स्टेज या अर्ली स्टेज जब होती है तब इनको दिया जाता है, अगर इस तरीके का कुछ सिम्टम्स होता है तो. इसके बाद जो है नेक्स्ट है इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ एंट्रापॉल और लोमाइडिन. एंट्रापॉल और लोमाइडिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो मस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं मसल्स में दिए जाते हैं, और अदर पेंटामाइडिन्स या फिर पेंटामाइडिन्स होती हैं उनके इंजेक्शंस होते हैं, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, और दोनों ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस को भी दिया जा सकता है. टू काइंड ऑफ ड्रग्स विच इंटरैक्ट बेनिफिशियली कैन क्योर नॉन न्यूरोलॉजिकल केसेस रैपिडली एंड परमानेंटली. नॉन न्यूरोलॉजिकल केसेस को ये प्रिवेंट कर सकते हैं, जो आपका फर्स्ट स्टेज होती है उस स्टेज में ये रिकवर कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल फेज ऑफ डिजीज इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. जो न्यूरोलॉजिकल या आप कह सकते हैं जब सेकेंड स्टेज में इस तरीके की डिजीज़ पहुँच जाती है तो उसको क्योर करना थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट होता है. तो इस तरीके से आपका पूरा लाइफ साइकिल और पैरासाइटोलॉजी जो होती है, किस तरीके से जो ट्रिपैनोसोमा है वो आपका इन्फेक्ट करता है, इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल इस तरीके से ट्रिपैनोसोमा की रन होती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.